हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल यस अली क्लासेस। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, मैंने प्रीवियस क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वहाँ पर हमने देखा था कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट हम? आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको अच्छे से इसी चैप्टर में समझना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, कैसे होती है। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम सिर्फ परचेज गुडविल को ही क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, परचेज एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके, सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सबसे पहला केस नंबर ए की अगर हम बात करें, सबसे पहला है व्हेन व्हेन गुडविल, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कब होगी? जब कैपिटल क्या होगी? फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल क्या होती है? जब फ्लक्चुएटिंग होती है। और आपको ये पता है कि कैपिटल फिक्स और फ्लक्चुएटिंग होती है। अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से एडजस्ट होती है और एडजस्टमेंट होता है, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट का मतलब कौन सी कैपिटल की होगी? यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, उस केस में हम एंट्री के पास करते हैं, वो देखिएगा स्टूडेंट। उस केस में हम एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड, बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड किसके थ्रू करिए? कैपिटल अकाउंट के थ्रू, तो लिख देंगे थ्रू कैपिटल अकाउंट। क्या रेशियो होगा? किस रेशियो में एंट्री पास होगी? ये जो रेशियो होगा स्टूडेंट, रेशियो होगा हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है? गेनिंग पार्टनर किससे होगा? जितना उसने गेन किया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किससे क्रेडिट होगा? जितना उसने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, पार्ट ए का सेकंड पार्ट, पार्ट ए का केस वन का, केस ए का सेकंड पार्ट क्या है? व्हेन व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। अब देखो यहां पे मैंने बोल दिया कैपिटल फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया? गुडविल इज एडजस्टेड। क्या मतलब हो गया इसका स्टूडेंट? गुडविल इज एडजस्टेड, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू कौन से अकाउंट के थ्रू होगी? यस, वेरी गुड। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। ठीक है, अब उस केस में एंट्री क्या होगी? ओके, एंट्री तो सेम होगी, एंट्री सेम होगी, लेकिन क्या हो जाएगा? देखो क्या चेंज आएगा, देखना। गेनिंग गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या आ जाएगा यहाँ पे? गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स पार्टनर्स करंट अकाउंट। सिर्फ इतना ही चेंज आया कि कैपिटल की जगह क्या चेंज हो गया? करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या है यहाँ पर? फिक्स्ड है, और जहां पर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है वहां पर कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? कैपिटल अकाउंट। ओके, सेम किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओके, जो गेनिंग पार्टनर है उसका गेनिंग जितना भी, जितना गेन किया होगा उस रेशियो से, और सेक्रीफाइसिंग में जितना उसने सेक्रीफाइस किया। और बताया था दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई? ये हो गया केस नंबर वन, व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, मतलब फिक्स्ड और अंडर फ्लक्चुएटिंग मैथड। क्लियर हो गया? ठीक, केस नंबर, अब हम बी पार्ट पर आते हैं, पार्ट नंबर बी पर। ठीक है, पार्ट नंबर बी पर आते हैं, तो देखिएगा इसका, चाहे तो फोटो ले लें या फिर आप नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पार्ट नंबर बी पर आते हैं स्टूडेंट। पार्ट नंबर बी कह रहा है व्हेन गुडविल, व्हेन व्हेन गुडविल रेज्ड, व्हेन गुडविल इज रेज्ड, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। भाई जब गुडविल क्या करी आपने? रेज्ड किया और रिटन ऑफ करी। तो पहले गुडविल को रेज का मतलब क्या है? गुडविल को आपको लेकर आना पड़ेगा, और फिर उसको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो गुडविल को पहले रेज्ड करेंगे। तो देखो गुडविल कैसे रेज्ड होती है स्टूडेंट, जरा समझना। देखो गुडविल कैसे रेज्ड होगी। ठीक है, अब गुडविल बींग एन एसेट, गुडविल का नेचर होता है डेबिट, तो हम एंट्री क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट, मतलब रेज्ड कर रहे हैं गुडविल को। गुडविल अकाउंट डेबिट टू टू पार्टनर्स, टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कब होगा? जब फ्लैक्चुएटिंग होगी, और फिक्स्ड होगी तो क्या हो जाएगा उसकी जगह? करंट अकाउंट। ओके, अभी एंट्री किस रेशियो में होगी? भाई हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टनर हैं, तो ये सारे के सारे पार्टनर का मतलब क्या, ओल्ड रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो होगा, पुरानी बात चल रही है ये, ठीक है। गुडविल को हमने क्या कर दिया, रेज्ड कर दिया। अब गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है, मतलब रिटर्न ऑफ। अब रिटर्न ऑफ का मतलब क्या, गुडविल बींग एन एसेट, एसेट को कैसे क्लोज करेंगे, क्रेडिट करके। क्या एंट्री होगी, एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, वाई सी वर्षा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये कब हुई है राइट ऑफ, राइट ऑफ कब हुई होगी, जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ होगा, मतलब पहली ओल्ड रेशियो में, और दूसरी एंट्री कौन से रेशियो में होगी, न्यू रेशियो में। दूसरी एंट्री कौन से रेशियो में होगी, न्यू रेशियो में होगी। बात समझ में आती, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट, ओके, केस नंबर सी। केस नंबर सी क्या है, वेन देयर इज एग्जिस्टिंग गुडविल appearing in the balance sheet, ओके। कौन सी गुडविल है, कौन सी एग्जिस्टिंग गुडविल है, वो क्या कहाँ गिवन होती है, वो बैलेंस शीट में गिवन होती है, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ, क्या करते हैं उसको, राइट ऑफ। अब उसको राइट ऑफ कैसे किया जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका ओके, उसका एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओके। और कौन से रेशियो में होगी, कौन से रेशियो में होगी बताओ जल्दी से, यस वेरी गुड, ओल्ड रेशियो में, कौन से रेशियो में, और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट किस रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो में होगी। तो ये था स्टूडेंट एक, मैंने आपको समझाया कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसी होती है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल ये है हमारे पास स्टूडेंट, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, क्या कह रहा है क्वेश्चन, गुडविल अपीयर्ड इन बैलेंस शीट। गुडविल कहां पर गिवन है, बैलेंस शीट में अपीयर्ड है, मतलब इट इज एन एग्जिस्टिंग गुडविल, कौन सी गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल, देन इट शुड बी राइट ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब ओके, रुपीज ये है 18,000 की, क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ओके। तो आप क्या करेंगे, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, एंट्री को, इसे गुडविल को राइट ऑफ करना है, तो कैसे राइट ऑफ करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओके। और गुडविल कितनी है, 18,000 को रिटर्न ऑफ करना है, कौन से रेशियो में करते हैं, ओल्ड रेशियो, 3:2:1, तो इसका मतलब 3,000 कॉमन हो गया, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, या फिर बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, ए बी सी ये तीन पार्टनर हैं, ए बी सी क्या है, तीन पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, नाउ दे डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा उनका, इक्वल। तो ये तो ओल्ड रेशियो है, ये है उनका न्यू रेशियो, ठीक है। हमारे पास गुडविल है, गुडविल ऑलरेडी, गुडविल है हमारे पास 12,000 रुपये की, ठीक है। गुडविल को हमने रेज्ड किया, रेज्ड टू रुपीज़ 30,000, कितना रेज कर दिया, 30,000 रेज कर दिया, इसका मतलब कितनी रेज्ड हुई गुडविल, 18,000 गुडविल क्या हो रही है, रेज्ड हो रही है, ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गुडविल को रेज्ड और रिटर्न ऑफ दोनों करिए, क्या करिए, रेज्ड और रिटर्न ऑफ आपको दोनों करने, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले गुडविल को क्या किया जाएगा, रेज्ड, क्या करेंगे गुडविल को, सबसे पहले रेज्ड, रेज्ड कैसे करते हैं गुडविल को, उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, गुडविल एसेट है तो रेज्ड होगी, तो डेबिट करेंगे गुडविल अकाउंट DR, ओके। कितनी रेज्ड हो रही है, 18,000 गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है स्टूडेंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और क्या रेशियो बताया था आपको, ओल्ड रेशियो, कौन सा रेशियो था, ओल्ड, ओल्ड रेशियो 3:2:1, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9,000, 6,000 और 3,000, ओके। ये हो गई गुडविल रेज्ड।
अब इसी गुडविल को क्या करना है हमें, रिटन ऑफ, क्या करना है, रिटन ऑफ। अब देखिएगा रिटन ऑफ कैसे करेंगे, रिटन ऑफ है ना, देखिए रिटन ऑफ इसी गुडविल को, ठीक है। कैसे, क्या बताता है एंट्री, गुडविल एक एसेट है, एसेट को कैसे क्लोज करेंगे, क्रेडिट से। ओके, डेबिट किसको कर देंगे, पार्टनर्स को। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर, सीज कैपिटल अकाउंट डी आर, टू गुडविल, टू गुडविल। ओके, गुडविल कितनी रेज्ड करी थी हमने, 18,000। इसी को क्या करेंगे, राइट ऑफ। कौन से रेशो में बताया था आपको, न्यू रेशो। कौन से रेशो में बताया था, न्यू रेशो। और न्यू रेशो क्या है, इक्वल। इक्वल का मतलब कितना हो गया, 6,000 ईच, 6,000 एंड 6,000। ओके, बात समझ में आ गई स्टूडेंट, इतना क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही। अगर क्वेश्चन ये कहता है, अगर क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, अब मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपसे, एक और एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे पास है ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। नाउ दे डिसाइडेड इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज ओल्ड वन एंड दिस इज न्यू वन। ओके, गुडविल है स्टूडेंट हमारे पास, गुडविल, ठीक है, वैल्यूड गुडविल, क्या है, वैल्यूड गुडविल है हमारे पास रुपीज़ 90,000। क्वेश्चन कह रहा है एडजस्ट करिए गुडविल को थ्रू कैपिटल अकाउंट, एडजस्ट थ्रू कैपिटल अकाउंट। किसके थ्रू एडजस्ट करना है, कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्ट करना है। तो मैंने आपको इसके लिए पूरी चीज़ बता रखी है, क्या एंट्री बताई थी, पहले एंट्री लिख लेते हैं, क्या एंट्री, एंट्री क्या बताई थी मैंने आपको, गेनिंग, क्या बताई थी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री तो करी थी हमने, है ना। ओके, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ओके, यहाँ गेनिंग से गेनिंग डेबिट हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये इसका फॉर्मूला है, किसका, सेक्रीफाइसिंग का। अगर ये फॉर्मूला लगा के पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइसिंग है, नेगेटिव आता है तो गेनिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले ए, ए का ओल्ड है 3/6 माइनस 1/3, इट बिकम्स 6, 6 वन 6, 3 वन 3, माइनस 3 2 6, 2, 1/6। इसका मतलब ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बी, बी का अपना कितना है ओल्ड, 2/6 माइनस 1/3, एलसीएम होगा 6, 6 वन 2 वन 2, ये होगा 2, तो हो जाएगा 0/6, नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस। सी, सी का अपना शेयर कितना है, 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 6, 1 - 2 माइनस 1/6, तो ये क्या हो गया, गेनिंग, क्या हो गया, गेन, ठीक है। तो ए सेक्रीफाइस, सी गेन्स। अब एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री ये है आपके सामने, ठीक है, यहीं पर एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, ज़रा चेक करें, गेनिंग कौन है, सी, तो एंट्री हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ओके, अब कितना करना है, 90,000 की गुडविल थी, उसमें इन सब का शेयर कितना, 1/6, 1/6 का मतलब कितना, 15,000, कितना हो जाएगा, 15,000 से सी डेबिट हो जाएगा और 15,000 से ए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो ये था स्टूडेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जहां पर हमने सारे ही केसेस देख लिए। इस वीडियो के बाद आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जरूर देखें मैंने क्या समझाया है, अगर आपको उसका फोटो लेना है तो फोटो ले सकते हैं स्टूडेंट, ओके। अदरवाइज मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि आपने वो खुद अपना सेल्फ आपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। सो स्टूडेंट, बोर्ड्स में टाइम कम है, ओके, पैंडमिक की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऑफ चल रही हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, ओके, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपकी ऑनलाइन हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट, सैल्यूट करिए उनको कि वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।